नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड पावर सिस्टम का जो हमारा लास्ट एपिसोड था, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैरेलल सर्किट थ्री फेज लाइन, ठीक है। उसका हमने जीएमडी जीएमआर निकाला था और उसको हमने देखा था कि किस तरह से प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली कैसे तीन लाइन जो होती है, पैरेलल सर्किट जो होते हैं, वो लगाए जाते हैं, ठीक है, वो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो उसके साथ ही हमारा जो इंडक्टेंस वाला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। आज का जो एपिसोड रहेगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस देखूंगा और दूसरा मैं रेजिस्टेंस को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लिखिए लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है, लाइन रेजिस्टेंस। लाइन रेजिस्टेंस ये जरा देखते हैं, ठीक है जी। लाइन रेजिस्टेंस देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर, आप जानते हो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बताओ जरा। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है मान लीजिए पाई आर स्क्वायर, मेरे पास ए हो गया, आर इज द रेडियस, एल इसकी लेंथ है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका जो डीसी रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा रो एल बाई ए, रो इज माई कंडक्टिविटी, ठीक है ना, रो एल बाई ए ये बनेगा रेजिस्टेंस। तो ये तो डीसी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तो मेरा डीसी सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस जो होगा वो पता चलेगा मुझे। अगर मैं मान लीजिए बात करूं कि अच्छा ये एक्चुअल भी नहीं है, अगर डीसी रेजिस्टेंस भी अगर मैं निकालूं वो भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि असल में जो वायर होते हैं मेरे वो एसीएसआर होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड ये होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो मिडिल वायर है वो तो ऐसे है, ठीक है, लेकिन जो बाहर के जो वायर है वो क्या है बता दे रहा, वो इसके ऊपर ऐसे स्टैंडिंग लगी हुई है, आप समझ रहे हो, ठीक है, वो इस तरह लिपटे हुए हैं इसके ऊपर। तो ऐसा होने से क्या होगा बताओ जरा, आपने जो लेंथ मेजर की हो तो ये मेजर की है ना, बट एक्चुअल में जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है उनकी लेंथ क्या है बताओ जरा, क्योंकि वो रोल करके जा रहे हैं ना, तो उसकी जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ वो क्या हो जाएगी बताओ जरा, वो ज़्यादा हो जाएगी। और आप लेंथ ले रहे हो ये वाली, तो इसका मतलब इससे तो क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है, सही है भाई। अच्छा, दूसरी बात, जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। कैसे? अगर मैं रेजिस्टेंस को टेम्परेचर का फंक्शन लिखूं तो रेजिस्टेंस आर एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू वन प्लस एल्फा टी, ये होता है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ये बनेगा मेरे पास आर नोट, ठीक है, आर नोट इंटू वन प्लस एल्फा टी, ठीक है, ये बनेगा। वेर आर नोट क्या है बताओ जरा, आर नोट लिखिए, जब आर नोट जब टेम्परेचर मेरा जीरो होगा, जीरो डिग्री, ठीक है, तो आप आर नोट लिख लीजिए, आर नोट इज अ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर जीरो, और अल्फा क्या है मेरा टेम्परेचर कोफिशेंट, ठीक है, अल्फा है मेरा टेम्परेचर कोफिशेंट, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको आर टी को टेम्परेचर के साथ, तो आप कह सकते हो जब टेम्परेचर मेरा जीरो होगा तब तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा बताओ जरा, आर नोट रहेगा, ठीक है, तब तो आर नोट रहेगा, और ये इस तरह का बनेगा भाई स्ट्रेट लाइन, एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है भाई। तो इस तरह की ये लाइन बनेगी मेरी आर टी की टेम्परेचर के साथ, बोलो कोई दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट जरा देखिएगा, मैंने गलत लिख दिया ना, हाँ मैंने गलत लिख दिया, जरा देखिएगा कहाँ पे जीरो बनेगा बताओ। आर टी की वैल्यू जीरो कब होगी, जब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन बाई अल्फा। आर टी की वैल्यू जीरो कब बनेगी बताओ ना, यहाँ से आर नोट नहीं आएगा क्या, देखो ऐसा बनेगा, ये आर नोट बनेगा भाई, सही है, मैंने थोड़ा गलत बना दिया था भाई, इसको ठीक कर लीजिए, करेक्ट है भाई, इस तरह का बनेगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए तो ये मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंसी दिखाएगा, अल्फा इज माई टेम्परेचर कोफिशेंट, और मेटल का जो टेम्परेचर कोफिशेंट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो मैंने बताया कि भाई किस तरह हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, डीसी रेजिस्टेंस, ठीक है, बट असल में जब आप एसी की बात करोगे तो एसी में जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके डीसी रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। अगर मैं वायर का रेजिस्टेंस निकालूं तो वो रेजिस्टेंस आपका जो डीसी रेजिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि हमें एसी में दो अफेक्ट देखने को मिलेंगे, कौन कौन से दो अफेक्ट, एक है स्किन अफेक्ट और दूसरा है मेरा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, दो तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे,
एक स्किन इफेक्ट और एक आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. अब ये कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है. सबसे पहले स्किन इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है. सबसे पहले मैं स्किन इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, जरा देखिएगा स्किन इफेक्ट क्या होता है और किस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है. उसको जरा देखते हैं स्किन इफेक्ट. देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी जो वेव होती है, आगे आप पढ़ोगे देखना, ठीक है. जब आपको मैं नेक्स्ट आपको ट्रांसमिशन लाइन करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊं कोई भी ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, ठीक है. यहां पे मान लीजिए मेरा लोड है, ये रिसीविंग एंड है, रिसीविंग एंड, और ये मान लीजिए मेरा सेंडिंग एंड है, सेंडिंग एंड. तो कोई भी मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन हो, जैसे आप मान लीजिए स्विच ऑन किया तो जो सिग्नल यहां से जाएगा उसको यहां तक पहुंचने में कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा. जो वेव होती है मेरी वो ट्रेवल करती है दोस्तों, वो ट्रेवलिंग वेव होती है, ठीक है. मतलब जो भी वोल्टेज सिग्नल आप जैसे आप अप्लाई करोगे वो वोल्टेज सिग्नल पहले ट्रेवल करेगा, ठीक है. वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा. अब ये ट्रेवलिंग वेव क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ, वैसे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है. मान लीजिए मेरा वोल्टेज इस तरह का है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब अगर मैं बोलूँ Vm साइन ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, या कोस लिख लो चलो, या चलो साइन लिख लो, ठीक है. मान लीजिए इस तरह का कोई मेरे पास है, ये ट्रैवलिंग सिग्नल है, ये ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है. ये मेरा ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव. अब ये ट्रैवलिंग वेव क्यों है, क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं ना, मैं बोलूं एट टी इक्वल टू जीरो, बताओ पहले समय को अगर मैं जीरो पे रोक दूं तो ये वेव क्या बनेगी बताओ जरा. ये वेव बनेगी वीएम साइन बीटा एक्स, क्या कहते हो, माइनस वीएम साइन बीटा एक्स टी की वैल्यू जीरो की. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं एक्स के साथ या बीटा एक्स के साथ, तो आप कह सकते हो ये इस तरह की वेव बनेगी, माइनस साइन है तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा. अगर मैं एट टी इक्वल टू टी टू टी वन बात करूं, ठीक है, तो ये बनेगा वीएम साइन या माइनस वीएम साइन बीटा एक्स माइनस ओमेगा टी वन. मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहां से और टी की जगह टी वन पुट कर दिया, और ओमेगा टी वन को मैं बोल सकता हूं फाई, ठीक है. तो इसका मतलब ये जो वेव आएगी, जो पहले वेव थी वो लैग कर गई, अब थोड़ा सा कितना एंगल लैग कर गई बताओ, फाई रेडियन लैग कर गई है, ठीक है. तो इसका मतलब यही वेव कुछ इस तरह की बन जाएगी, फाई रेडियन लैग कर गई है अगले टाइम पे, समझ रहे मेरा पॉइंट. ये टी इक्वल टू कहां पे था, जीरो पे, ये टी इक्वल टू T1 पे. अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, T इक्वल टू T2 पे, T इक्वल टू T2 पे और थोड़ा सा क्या हो जाएगी बताओ जरा, और थोड़ा सा लैग हो जाएगी. तो आप देख सकते हो अगर मैं समय को भी कॉन्टिन्यूसली चेंज करूं, मैं बोलूं टाइम भी मेरा फटाफट चल रहा है और X के साथ भी, मतलब स्पेस के साथ भी अगर मैं देखूंगा, तो आपको जो मैक्सिमा है ये आपको चलता हुआ नजर आएगा आगे की तरफ. जैसे पानी में आप पत्थर डालते हो ना, तो जो मैक्सिमा उठता है वो जब आगे की तरफ चलता है बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा. इसका मतलब कोई भी जब ट्रांसमिशन लाइन होगी उसके ऊपर जैसे आप स्विच ऑन करोगे जो वोल्टेज है वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी, वो इस तरह की होगा. बट मैं आपको एक बात बताऊं, जो एम्पलीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, जैसे जैसे ट्रेवल करेगी एम्पलीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, एम्पलीट्यूड भी डिके होता चला जाएगा, ठीक है. एम्पलीट्यूड कैसे डिके होगा, ये बनेगा वी एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स कोस या साइन, आप कुछ भी लिख लो, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, इस तरह का. ये आगे पढ़ोगे आप, डोंट वरी. वेयर दिस अल्फा इज नोन एज अटेन्युएशन कांस्टेंट, अटेन्युएशन कांस्टेंट, ठीक है, एंड बीटा इज नोन एज फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, ठीक है भाई. या फिर मैं दूसरे सेंस में अगर मैं ये बोलूं, मैं इसी चीज को मैं दूसरे सेंस में बोल सकता हूं, मैं रब कर दूं एक बार, जरा देखिए. मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी अगर मेरा कंडक्टिंग मीडियम है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए इस तरफ कंडक्टर है मान लीजिए, और यहाँ पे कोई वेव का एम्पलीट्यूड था वो इतना था, ठीक है, वेव का एम्पलीट्यूड मान लीजिए इतना कुछ था, ठीक है. तो अगर मैं बोलूँ कि कंडक्टर है ये मेरे पास, तो कंडक्टर में जब कोई भी वेव ट्रेवल करती है, कोई भी फील्ड ट्रेवल करती है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ट्रेवल कर रही है जेड की तरफ, ठीक है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका डाउन होता चला जाएगा, रहेगी वो साइन या कोसाइन वेव ही, मान लीजिए वो इस तरह की वेव है, ठीक है, वो इस तरह की वेव है, मतलब एम्पलीट्यूड उसका छोटा होता जा रहा है और वो ट्रेवल कर रही है, अगले टाइम पे वो इस तरह की बन जाएगी,
अगले इंस्टेंट पे वो इस तरह की वेव बन जाएगी, ठीक है, मतलब वो ट्रेवल कर रही है, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, मतलब e की पावर माइनस अल्फा x की तरह छोटा होता चला जाएगा। अब ये चीज आप कहां पर पढ़ोगे, ये चीज मैंने वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में पढ़ाई है, प्रोपेगेशन, फील्ड प्रोपेगेशन इन कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, कंडक्टिंग मीडियम में कंडक्टर में कैसे फील्ड ट्रेवल करती है। जो अल्फा होता है अटेन्युएशन कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/2 ओमेगा म्यू सिग्मा, ये होता है। म्यू इज परमिएबिलिटी, म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टर है तो कंडक्टिविटी तो होगी उसकी, और अगर मान लीजिए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो म्यू की वैल्यू म्यू नॉट ही हो जाएगी, और ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो अगर मैं लिखूं इसको तो ये बन जाएगा रूट ऑफ पाई एफ म्यू सिग्मा, ये बन जाएगा अल्फा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू ये बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1/α पुट कर दूं, सोचिए, सॉरी जेड लिखो ना इसको, क्योंकि जेड की तरफ दिखा रहे हो ना आप, सोचिए अगर आप जेड की वैल्यू को अगर आप 1/α पुट कर दें तो आप बताओ ये एम्पलीट्यूड कितना डाउन हो चुका होगा, e की पावर क्या बन चुका होगा एट जेड इक्वल टू 1/α, जो एम्पलीट्यूड है वो e की पावर माइनस 1 बन चुका होगा, e की पावर माइनस 1 कितना होता है जरा बताएंगे, कितना होता है 0.3, कितना देखो जरा, e की पावर माइनस 1 0.3678, इसका 63.2% डाउन हो गया, ठीक है, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो जो यहां पे 1 था वो 63.2% डाउन हो चुका है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्किन डेप्थ, इसको क्या बोला जाता है डेल्टा, दिस इज नोन एज स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ का क्या मतलब होता है बताओ जरा, स्किन डेप्थ डेल्टा दैट इज 1/α, कंडक्टिंग मीडियम की बात कर रहा हूं, एंड इट इज इक्वल टू 1/√ ऑफ पाई एफ म्यू सिग्मा, ठीक है भाई, ये मेरी स्किन डेप्थ होगी, ये वो डेप्थ है जिसमें फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी हद तक कम हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे आपने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद वोल्टेज डिफरेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद करंट, ठीक है ना, तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं ये मेरी स्किन डेप्थ है। मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर में आपकी जो वेव होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी कंडक्टर को, समझ रहे हो, वो डिके हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, उनमें प्रोपेगेट नहीं कर पाती कंडक्टर में, एम्पलीट्यूड उनका डाउन होता चला जाता है, ठीक है ना। अब मेरा ये भी तो ऐसे ही है, मेरा जो जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है वो भी तो कंडक्टिंग की तरह ही है, कंडक्टर ही है, ठीक है, तो जरा देखिए इससे क्या होगा। और स्किन डेप्थ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम होगी स्किन डेप्थ, इसका मतलब जल्दी डिके हो जाएगी, अल्फा उतना ज्यादा लार्ज होगा, समझ रहे हो। तो आप सोचिए अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं कंडक्टर का, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी इसमें आप अप्लाई करोगे वोल्टेज इसके ऊपर, तो जो करंट फ्लो करेगा वो बिल्कुल इतने इतने रीजन से फ्लो करेगा, ये मेरी स्किन डेप्थ है, ठीक है, ये मेरी स्किन डेप्थ है, करंट जो है वो केवल इतने रीजन से फ्लो करेगा। अब आपको मैं कंफ्यूज करूंगा, देखना आपको, और आप जरा सोचना, ठीक है, केवल इतने रीजन से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये बीच वाले रीजन से क्यों 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 नहीं करेगा बताओ ना, मैंने क्या बताया अभी अभी, क्या समझाया आपको, जो स्किन डेप्थ होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा लार्ज मेरी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ये डेप्थ कम होगी, उसका मतलब उतना कम रीजन से आपका करंट फ्लो करेगा, समझ आया। तो अगर ये कंडक्टर है मेरा तो इसमें जो करंट जाएगा दोस्तों वो केवल इतने रीजन से फ्लो करेगा, और उससे क्या हो जाएगा बताओ जरा, अगर जो अफेक्टिव एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है अब वो आपका कम हो गया है, तो उससे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है इसका रो एल बाई ए वो क्या हो जाएगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, समझ आया। तो इससे जो रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, सही बात है ना। तो इसका मतलब एसी सर्किट्स में आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, बट एक डाउट है अभी यहाँ पे, ठीक है, अब आपको मैं डाउट बताता हूँ क्या है, अब जरा सोचना, मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, आंसर मैंने दिया हुआ है वेव प्रोपगेशन में, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट है, ठीक है, बट मैं आपको थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा हूँ, जरा सोचिएगा। आप मुझे बताओ जो वोल्टेज सिग्नल है वो किधर ट्रेवल कर रहा है, इसमें अगर मैं वोल्टेज सोर्स लगाऊं तो किधर ट्रेवल कर रहा है इस लाइन में, वो तो इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड तो इधर डाउन होना चाहिए, नहीं मतलब इधर की तरफ प्रोपगेट करते हुए डाउन होनी चाहिए वेव, है ना, लेकिन आप तो किधर की तरफ डाउन कर रहे हो,
आप तो कह रहे हो कि इसके अंदर प्रोपेगेट नहीं कर पाए, अंदर नहीं जा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ये केवल स्किन से फ्लो करेगी, स्किन से फ्लो करेगी। जबकि करना क्या चाहिए बताओ जरा, मतलब आप तो बाहर की तरफ देख रहे हो कंडक्टर में, आप ये कह रहे हो कि जैसे ही वेव आएगी वो केवल इतने रीजन में रहेगी, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, वो डिके हो जाएगी। बट असल में डिके इधर तो होनी नहीं चाहिए थी, क्रॉस सेक्शन की तरफ किधर होनी चाहिए थी डिके, तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये हाँ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्या कहते हो, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में आपकी डिके होनी चाहिए थी। आप तो किधर डिके कर रहे हो, आप तो कह रहे हो कि ये सरफेस के अंदर की तरफ नहीं जा पाएगी, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, सरफेस के अंदर की तरफ नहीं जा पाएगी, अंदर थोड़ी ना जा रही है, वो तो आगे जा रही है। अब जरा सोचिए, तो स्किन डेप्थ इधर की तरफ होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी स्किन डेप्थ, या फिर ये वाला जो बाहर की तरफ दिखाया मैंने, ये इधर होनी चाहिए थी। आप जरा इसके ऊपर दिमाग लगाना, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको मैंने एक डाउट दिया है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, परेशान मत होना, अगर नहीं आंसर मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे आपको मैंने वेव प्रोपेगेशन में इसको बता रखा है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया डाउट है। तो मैंने आपको बताया कि स्किन डेप्थ क्या होती है, ठीक है, और कैसे हमारा स्किन, मैं इसको दूसरे सेंस से भी समझा सकता था, मैं एडी करंट से भी समझा सकता हूँ इसी चीज़ को, स्किन इफेक्ट, बट चलिए मुझे उम्मीद है कि मैथमेटिकली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जितना फ्रीक्वेंसी मेरी लार्ज होगी उतना मेरा जो डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है, क्लियर अभी। चलिए मैं थोड़ा सा चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको एडी करंट से समझा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको एडी करंट से भी समझा सकते हो सेम इफेक्ट को, कैसे जरा देखिएगा, अगर मैं एडी करंट से स्किन इफेक्ट को समझाऊँ कैसे समझाऊंगा। एडी करंट वाला कंसेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और उसमें हर जगह से करंट मेरा बाहर आ रहा है, ये करंट बाहर आ रहा है, हर जगह से करंट मेरा बाहर आ रहा है, ठीक है, ये करंट मेरे बाहर आ रहे हैं हर जगह से, ठीक है भाई, इसमें से करंट बाहर निकल रहा है, कहने का मतलब ये है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, करंट मेरा क्या हो रहा है बताओ जरा टाइम के साथ, क्योंकि मैं टाइम वेरिंग फील्ड लगा रखी है, चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या आएगा फिर बताओ, इसके चारों ओर क्या आएगा, फ्लक्स, इसके चारों ओर फ्लक्स आएगा, क्या कहते हो, इनके चारों ओर फ्लक्स आएगा, ठीक है, करेक्ट। अभी अगर करंट मेरा ऊपर जा रहा है तो इसके चारों ओर क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, ध्यान देना इंपॉर्टेंट अभी है, इसके चारों ओर फ्लक्स आ जाएगा। अब सुनिएगा, अगर ये फ्लक्स, ये करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है तो ये फ्लक्स भी बढ़ेगा टाइम के साथ, ठीक है, अगर करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी तो बढ़ेगा टाइम के साथ। अगर मान लीजिए मैं इसको हॉरिजॉन्टली दिखाऊं, करंट मान लीजिए इधर है मेरा और ये इसकी फ्लक्स लाइन से, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, अगर करंट बढ़ रहा है तो ये जो फ्लक्स लाइन है, मान लीजिए इधर है करंट, तो फ्लक्स किधर होगा, सामने से नीचे होगा, पीछे से ऊपर होगा, ऐसे आएगा ना, बोलिए ना, करेक्ट है, ऐसे बनेगा, आपकी तरफ नीचे आएगा, करंट आपका इधर है ना, आपकी तरफ से ऐसे आएगा और मेरी तरफ ऐसे आएगा, ठीक है। अब सुनो, जिस टाइम ये बढ़ रहा है करंट आई एम साइन ओमेगा, जिस टाइम इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है उस टाइम फ्लक्स का एम्पलीट्यूड भी तो बढ़ेगा, ठीक है, बट फ्लक्स का एम्पलीट्यूड बढ़ नहीं पाएगा, सही बताऊं तो, क्यों, क्योंकि यहां पे जब फ्लक्स बढ़ेगा सराउंडिंग में, कंडक्टर है ना सराउंडिंग में, तो अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा बताओ, इसके अंदर जो एडी करंट है वो पैदा हो जाएंगे और वो फ्लक्स के जो चेंज है उसको क्या करेंगे, पोज करेंगे। अब कैसे, सोचिए इस पॉइंट पे फ्लक्स आपका इधर की तरफ है, ऐसे था फ्लक्स, है ना, अब उसको अपोज करने के लिए क्या होगा बताओ जरा, उल्टा फ्लक्स पैदा करेगा एडी करंट, इसका मतलब जो एडी करंट है वो क्या हो जाएगा, वो इस तरफ का हो जाएगा, सो दैट उल्टा फ्लक्स पैदा करेगा, इसका मतलब यहाँ पे सामने आपके यहाँ पे एडी करंट ऐसा पैदा हो जाएगा, करंट मेरा इधर जा रहा था और उसका फ्लक्स इस पोजीशन पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली यहाँ पे नीचे की तरफ था, तो उसको अपोज करने के लिए एडी करंट ऐसा हुआ, इस तरफ हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये एडी करंट जो है ये अंदर वाले करंट को क्या कर रहा है, जो मेन करंट है उसको अपोज कर रहा है, और इधर वाली साइड वाला करंट है उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब जो आउटर रीजन होगा उसमें क्या होगा बताओ जरा, करंट मेरा एड होगा, वो बढ़ जाएगा, और अंदर वाला जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल भाषा में इस तरह समझा सकता हूँ, क्लियर है, मतलब जो एडी करंट है वो चारों जगह इसके, इस जो फ्लक्स था इसके चारों ओर ऐसे छल्ले से बना लेंगे, ठीक है, ऐसे छल्ले से बना लेंगे, और जो बाहर वाला रीजन रहेगा उसमें तो उधर ही रहेगा जिधर मेन करंट है, और जो अंदर वाला रीजन आएगा उसमें अपोज करेगा, सही है, उल्टा फ्लक्स देगा, क्योंकि ये जो है नीचे फ्लक्स दे रहा है, आप समझिए ऐसे दे रहा नीचे की तरफ, तो उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, एडी करंट ऊपर की तरफ देगा, तो इसका तो ऐसे आएगा, तो बाहर वाली साइड से ऐड होगा, अंदर वाली साइड से अपोज करेगा इसको,
तो अंदर वाली साइड से जो करंट है, नेट करंट अंदर वाले साइड में, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और बाहर वाली साइड क्या हो जाएगा? करंट आपका बढ़ जाएगा. इसका मतलब मेनली बाहर वाले साइड से फ्लो करेगा. समझ आया? आप इसको इस तरह दिखा सकते हो. ठीक है, इससे आपका अफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा. स्किन इफेक्ट की वजह से करंट रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है. ठीक है, आगे बढ़ जाए. और जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताई दिया. ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए अगला केस. अब आइए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. अब ये देख लेते हैं कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. ठीक है, देखिए दोस्तों प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है. मान लीजिए मेरे पास दो कंडक्टर है और दो पैरेलल में है, दोनों कंडक्टर पैरेलल में है. ठीक है भाई, अब एक में करंट इधर है और एक में मान लीजिए उल्टा करंट जा रहा है. ठीक है, अब इस करंट की वजह से यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी. बोलिए, अगर मैं यहां पे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाऊं दोस्तों, इस जगह पे अगर मैं इस जगह पे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाऊं, ये आर रेडियस है, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाऊं तो क्या बनेगा बताओ जरा? क्लोज इंटीग्रल एच डॉट डीएल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा? आई पेनिट्रेट. ये होता ना, तो H को मैं बाहर ले लेता हूं और ये R रेडियस है तो 2 पाई R इक्वल टू कितना करंट पेनिट्रेट कर रहा है? इसमें से I करंट पेनिट्रेट कर रहा है. तो आप बताओ H की वैल्यू क्या आ गई? I अपॉन 2 पाई R. लेकिन मुझे चाहिए B, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट I डिवाइड बाई क्या बन जाएगा? 2 पाई R. सही है भाई? बोलिए, यहां पे B आ गया और यहां पे B किधर की तरफ है? अंदर की तरफ, क्रॉस. ठीक है, अंदर की तरफ है B. ठीक है ना, तो यहां पे मैंने B निकाल दिया. अब मुझे बताइए यहां पे करंट नीचे है इस कंडक्टर में, तो इसका मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर होंगे बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे. क्या कहते हो? जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, करंट तभी तो नीचे है. अब आप बताइए यहां पे बी जो है मेरा अंदर की तरफ है. ठीक है, और अंदर की तरफ बी में क्यू जो है चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो क्यू वी क्रॉस बी, ये फोर्स आपका इसके ऊपर लगेगा. क्या कहते हैं? क्यू वी क्रॉस बी फोर्स लगेगा. ठीक है, अब आप बताइए वी मेरा ऊपर है, वेलोसिटी मेरी ऊपर है. ठीक है, और बी मेरा अंदर है, तो वी क्रॉस बी करके देखो क्या बनेगा. वी क्रॉस बी करोगे तो फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ. लेकिन ये तो पॉजिटिव पे लगेगा. अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर फ्लो कर रहा होता तो ऐसा होता ना, चार्ज कैसा है मेरा? नेगेटिव है, तो इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा इस पे? बाहर की तरफ. ठीक है, सिमिलरली इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा. तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ, उधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इन पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है. उससे क्या होगा सुनिए, अगर मैं इनका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं आपको, अगर मैं इन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन दिखाऊं आपको, तो जरा देखिए ये क्रॉस सेक्शन है. इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इस वाले रीजन, इधर रिपेल हो गए, इधर की तरफ आ गए इस रीजन में, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गए इस वाले रीजन में. समझ रहे हो? तो उससे क्या हुआ बताओ जरा? जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो रीजन क्या हो गया मेरा बताओ? वो काफी कम हो गया. तो क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस एरिया से करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है बताओ जरा? क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे करंट काफी, क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे आपका बताओ ना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो काफी कम हो गया, वो क्रॉस सेक्शन एरिया. इससे क्या होगा बताओ जरा? मेरा जो रेजिस्टेंस है वो आपका बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा. समझ आया? इससे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इसको बोलते हैं. ये ज्यादातर कब होता है? जब काफी लार्ज करंट हो और डिस्टेंस कम हो. ठीक है ना, तब ऐसा होगा. ठीक है ना, अगर दूर दूर डिस्टेंस है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को आप कम कर सकते हो. ठीक है ना, एक और चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, आप आगे आप पढ़ोगे एचवीडीसी. तो एचवीडीसी की अगर मैं बात करूं, मतलब डीसी ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं, तो जब डीसी ट्रांसमिट करोगे तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ जरा? जीरो. तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं उसमें अगर कोई वायर में डीसी करंट फ्लो कर रहा है क्या कोई स्किन इफेक्ट होगा उसमें बताओ ना? बताओ ना क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो है. स्किन इफेक्ट के लिए डेल्टा आपको पता था ना, मैंने उस फ्रीक्वेंसी के क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना. तो इसका मतलब उसमें कोई स्किन इफेक्ट नहीं होगा अगर आप एचवीडीसी कर रहे हो तो. ठीक है, मतलब डीसी ट्रांसमिशन अगर आप ले रहे हो तो कोई स्किन इफेक्ट नहीं होगा. बट क्या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा क्या? हाँ, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा उसमें. ठीक है,
अगर डीसी ट्रांसफार्मर और पैरेलल में दो वायर लगा रखे हों जिनमें ऑपोजिट करंट जा रहा है या सेम करंट जा रहा है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, उससे प्रॉक्सिमिटी अफेक्ट होगा। बट डीसी ट्रांसमिशन का फायदा ये होता है उसमें एक ही वायर चाहिए, ठीक है, दूसरा वायर तो ग्राउंड से आप रिटर्न कर लेते हो, ठीक है ना। तो एनीवे उसका ये बेनिफिट मिलता है। एचवीडीसी में ये आपको थोड़ा सा फायदा रहता है, ठीक है, कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपको ज़्यादा अफेक्टिव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। समझ आया भाई, रेजिस्टेंस क्लियर हुआ कि रेजिस्टेंस हम क्या देखते हैं। रेजिस्टेंस जनरली बहुत स्मॉल होता है वायर का, ठीक है, तो आगे फ्यूचर में आप देखेगा कि कई जगह पे हम रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट भी कर देंगे, ठीक है ना, वायर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता कंपेयर टू रिएक्टेंस, ठीक है। चल तो यहाँ पे मेरा जो रेजिस्टेंस वाला टॉपिक था वो मेरा पूरा हो जाता है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस किए जाए, ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मेरा जो पहला चैप्टर था रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन ज़रा करते हैं। देखिए आपको लास्ट टाइम मैंने जो पिछला एपिसोड था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था पैरेलल सर्किट, ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चन पहले उसी पे ले रहा हूँ, ठीक है। जरा देखिए मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, कुछ इस तरह का है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है, ए बी सी। मैंने लास्ट टाइम आपको एक होमवर्क दिया था कि अगर मैं बंडलिंग कर दूं पैरेलल सर्किट में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जीएमआर आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बंडलिंग करने से, तो उससे आपका एल की वैल्यू जो थी वो आपकी और रिड्यूस हो रही थी, उसका मतलब ज़्यादा एडवांटेज मुझे मिल रहा था, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास कंडक्टर है ए बी सी और इधर है मेरे पास ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम एंड सी प्राइम, पैरेलल सर्किट है, ठीक है। अच्छा इनके बीच 1 मीटर का गैप दे रखा है, 1 मीटर हर जगह 1 मीटर है भाई, ये आपका 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 1 मीटर है भाई, और ये भी 1 मीटर है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का दे रखा है। अब ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ ईच कंडक्टर इज 1.5 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है आर की वैल्यू। फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ डबल सर्किट लाइन इन मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज, आपको पहले तो ये बताना है भाई, ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या होगा ये ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, हाँ जी ऐसे, ठीक है, ध्यान से करना भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मुझे लगता है मुश्किल नहीं है। अच्छा क्या ये अच्छा तरीका है, नहीं मुझे नहीं लगता अच्छा तरीका होगा, क्यों, पैरेलल सर्किट जरूर है, नहीं अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा, इससे जीएमडी जीएमआर, देखो ना जीएमडी आपका क्या होगा, इससे जीएमडी आपका बताइए ना, जीएमडी कम होगा क्या, वर्टिकल होता उसके कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल के केस में देखिए ना क्या होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा बनेगा, जरा चेक करते हैं, ठीक है। पिछले केस लास्ट एपिसोड का याद रखिए, हमने 0.191 मेरे ख्याल से आया था ओम पर किलोमीटर, ऐसे था मेरे ख्याल से 0.191 ओम पर किलोमीटर था। इसमें जरा देखते हैं, पहले एल निकालते हैं फिर इसका रिएक्टेंस निकालते हैं, ठीक है। चलिए जरा देखिए भाई, डी ए बी म्यूचुअल बताइए क्या बना, म्यूचुअल डिस्टेंस बताइए भाई क्या बने, डी ए बी म्यूचुअल क्या बनेगा बताओ जरा, रूट ऑफ स्क्वायर रूट नहीं है, पता नहीं कौन सा होगा, देखते हैं फोर्थ रूट होगा आई थिंक, हाँ भाई बताइए, ए बी, ए बी प्राइम, ए बी प्राइम कितना है बताओ जरा, 1 2 3 4। नेक्स्ट बोलिए ए प्राइम बी, ए प्राइम बी इज, बोलिए ए प्राइम बी इज कितना है, 2, नहीं ए प्राइम बी इज 2, बोलो ना यार, ए प्राइम बी प्राइम 1 और पावर 4 आ जाएगी, तो फोर्थ 8 की पावर 1/4 ये आ गया, ये आ गया डी ए बी म्यूचुअल। नेक्स्ट डी बी सी म्यूचुअल बोलिए भाई, फोर्थ पावर बोलिए भाई, बी सी, बी और सी, बी सी इज 1, बी सी प्राइम, बी सी प्राइम कितना है बताओ जरा, 4। नेक्स्ट बोलिए बी प्राइम सी, बी प्राइम सी इज 2 एंड बी प्राइम सी प्राइम इज अगेन 1, तो ये भी वही आ गया 8 की पावर 1/4, ठीक है। नेक्स्ट आप बोलिए डी सी ए म्यूचुअल, वो बोलिए सी और ए का देखते हैं, तो बोलिए सी ए, सी ए इज 2,
CA prime 1, CA prime is 1. Next आप आइए C prime A, C prime A कितना है बताओ जरा, 1, 2, 3, 4, 5, C prime A is 5. Next है C prime A prime is 2, बोलिए भी क्या बना, ये बन गया 20 की power 1 by 4, जरा बताएंगे क्या value आएंगी, बोलिए दोस्तों, क्या value आएगी इसकी, जल्दी निकालिए भाई, इनकी value बताइए ना, म्यूचुअल डिस्टेंसेस निकाली है मैंने 2.114. नेक्स्ट अच्छा ओवरऑल बता दी क्या आपने, तो ओवरऑल क्या बनेगी 8 की पावर 1 by 4 into 8 की पावर 1 by 4 into 20 की पावर 1 by 4 की पावर 1 by 3, ये बनेगा जीएमडी, सही है ना, कितना बना ये बताओ, बताओ जरा 2.1.815 ओवरऑल आया ना ये, yes, ये आ गया भाई ओवरऑल ये आ गया, ठीक है ना, ये मेरा ओवरऑल बन गया, करेक्ट है। अब सुनिएगा, ये बन गया जीएमडी, अब आइए जीएमआर। अच्छा मैं एक बात बता दूं, आप इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे वो वर्टिकल के साथ, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंसेज अलग अलग ले ली ना यार इसने, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ना कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, तो एनीवे बट देखते हैं जरा जीएमआर, जरा देखते हैं, बोलिए भाई क्या बनेगा जीएमआर, पहले डीएसए बताइए ना, DSA, R prime बोलिए इसका, खुद का कितना है? 1.5 into 10 to R minus 2 into 0.7788, ठीक है, ये इसका R prime हो गया, AA हो गया, अब next बोले AA prime कितना बनेगा? 3, AA prime is 3, फिर बोले A prime A is again 3 और फिर A prime, तो ये तो यही बन जाएगा वापस, root में 2 कर देता हूँ, ठीक है भाई, DSA, DSB बोलिए भाई, DSB कितना आएगा? BB prime तो वही है 1.5 into 10 is our minus 2 into 0.7788, ठीक है भी, BB prime है जी, ये तो BB होगा, BB prime कितना होगा? into 3 और वही 2, मेरे ख्याल से अगला भी वही आएगा, same है DSC, CCC C prime, ठीक है भी, हाँ तो बताइए ना क्या बना GMR है जी, 0.1872, सही है भाई, 0.1872 ये आ गया, तो आप बताइए इसका GMD by GMR करके देखिए, तो 2 into 10 is power minus 7 ln GMD by GMR 1.815 divided by 0.1872, बताइए क्या वैल्यू आई इसकी, 4.543 इनटू माइनस 7 हेनरी पर मीटर पर फेस, मिली हेनरी पर किलोमीटर, तो 10 इज माइनस 6 हटा दीजिए, ये बन गया मिली हेनरी पर किलोमीटर, मिली की वजह से 10 इज माइनस 3 हट गया, किलोमीटर की वजह से 10 इज माइनस 3 हट गया, ठीक है, तो आप बताओ क्या बनाइए, 0.4543 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेस, ये आ गया दोस्तों, अब आप ओम में बता दीजिए इसकी वैल्यू, मैं जरा आंसर चेक कर लेता हूं, जो मुझे इसका आंसर दे रखा है दोस्तों, हाँ जी इसका जो आंसर है 0.455, हमारे पास कितना है 0.45 है, ठीक है जी, तो ये आंसर है इस करेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट, अब आप मुझे बताइए ओम में क्या बनेगा ये, इसको ओम में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, बताओ ना, हाँ इनटू 100 पाई कर दो बस, ओम में आ जाएगा 141.78 ओम, क्या बन गया पर किलोमीटर, मिली ओम आया, मिली ओम पर किलोमीटर पर फेज, ये आ जाएगा, सही है, ये तो इसका पहला पार्ट था भाई, अब इसका दूसरा पार्ट देखिए दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट मैं क्या करने जा रहा हूं जरा समझिएगा, सोचिए अगर मैं इसकी बंडलिंग कर दूं यहां पे, मतलब इस तरह का मैंने तीन तीन कंडक्टर लगा दिए, हर जगह तीन तीन कंडक्टर लगा दिए, सोचिए ठीक है, हर जगह मान लीजिए मैंने तीन तीन कंडक्टर लगा दिए,
अब जरा देखते हैं क्या होता है. अब बताओ क्या चीज बदलेगी, मुझे ये बताओ. जीएमडी तो वही रहेगा क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस, चलो मैं दे देता हूं आपको, मान लीजिए ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और ये बीच वाली है 1 मीटर, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस क्या है बताओ, काफी कम है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. क्लियर है ना, बोलिए कोई दिक्कत हो तो अब आप बताइए मुझे क्या बदलेगा. जीएमडी मेरा सेम रहेगा, जीएमआर क्या निकलेगा बता सकते हो, जीएमआर क्या निकलेगा. जब आप AA लिखोगे, सुनिए, DSA निकालना है ना सबसे पहले, और वही DSB होगा, वही DSC होगा, सब बराबर ही आएंगे. लेकिन उसमें जब आप लिखते हो, उसमें लिखते हो AA, AA प्राइम, A प्राइम A, A प्राइम A प्राइम, यही लिखते हो ना, और ये दो दो बार आ जाएंगे तो मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ. सही बात है. अब AA कैसे निकालोगे बताओ ना, AA क्या इसका R प्राइम लोगे क्या, AA नहीं जी, इसका खुद का निकालिए AA क्या बनेगा, बोलिए. 1.5 × 10⁻²⁻²⁷ × 0.7788, ये तो इसका एक कंडक्टर का हो गया, इंटू क्या बनेगा बताओ जरा, 5 × 10⁻²⁻² और इंटू 5 एक और आएगा ये वाला, और क्या होगा बताओ जरा इसका क्यूब रूट, ये बनेगा AA. बताइए भाई AA क्या बना, DAA बताइए भाई क्या बना, समझ आया क्या आपको, ठीक है. A और A का AAA क्या बनेगा वो देखिए भाई, AA प्राइम तो वापस वही आएगा, AA प्राइम तो कितना है बताओ जरा, 3 मीटर, पहले भी 3 मीटर था अभी भी 3 मीटर ही रहेगा, ठीक है. हाँ तो बताइए ना क्या बना, बोलिए अब क्या बना, ये इसकी वैल्यू बता दो बस, पहले इसका स्क्वायर हो गया भाई 5 का. हाँ जी देखिए क्या बना, कितना आया ये बताओ ना क्या बना, DA. इतना टाइम कहां से लग रहा है यार, 10⁻² कितना बन जाएगा, -2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर देखिए क्यूब रूट के अंदर कितना है 5, तो 25 बन गया ये, इंटू 1.5 इंटू 0.7788, ये करना है यार, क्यूब रूट ही तो निकालना है इसका, बताओ ना क्या बना ये है जी, 0.03 मतलब क्या पूरा ये वाला, ये पूरा निकाल दिया 0.03 07, ये आया भाई. और पहले क्या था, ये सिर्फ ए है क्या, तो यार ऐसे बोलो ना यार क्या कर रहे हो, 0.0307 ये तो आ गया ए ए, ये इसकी वैल्यू आई, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है. अब आप बताइए ए ए प्राइम कितना था, वो 3 था, वो तो 3 था, ठीक है. ए प्राइम देखो ना, ए यहाँ पे, ए प्राइम यहाँ पे, तो बीच की डिस्टेंस 3. अब बताओगे क्या वैल्यू आएगी बताओ, जीएमआर की वैल्यू बताइए क्या, नहीं ऐसे बताओ क्या बना. और यही मेरा मेरे ख्याल से डीएसबी आ जाएगा, यही मेरा डीएससी आ जाएगा, क्या कहते हो, क्या बना बताओ ये वैल्यू, 0.3034. तो अब अगर मैं जीएमआर निकालूं इसका तो क्या बनेगा बताओ जरा, जीएमआर इसका, जीएमआर बताइए क्या बनेगा, यही आ जाएगा 0.3034, क्योंकि सारे बराबर है ना तीनों के तीनों, ठीक है, तो यही मेरा जीएमआर आ जाएगा. अब मुझे एक बात बताइए, इससे पिछले के कंपैरिजन में ये ज्यादा है कि कम है, पहले बताओ पिछले के पिछले में क्या था बताओ, जीएमआर 0.1872, अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है. तो आप देखिए बंडलिंग करने से आपका जो जो जीएमआर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है. पैरेलल सर्किट था मेरे पास, और AA कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है. अब AA मतलब इसका खुद का, ठीक है, तो खुद का जरा देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया अभी, ठीक है. तो इसका मतलब आप पैरेलल सर्किट भी लगाओ और आप बंडलिंग भी करो, ठीक है, इसका ये बहुत प्रैक्टिकल केस है अभी. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है. तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया जिसमें आपका बंडलिंग वाला केस था. नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रब कर दूं,
नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट सुनिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक होलो कंडक्टर है, लिखिएगा, होलो कंडक्टर हैविंग इनसाइड रेडियस आर वन एंड आउटसाइड रेडियस आर टू, अंदर की रेडियस आर वन है और बाहर की रेडियस है आर टू, ये आर वन और बाहर की रेडियस है आर टू, ठीक है, अभी इस तरह का दे रखा है, आपको क्या बताना है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बताना है इसका, इंटरनल इंडक्टेंस बताना है, अंदर का क्या इंडक्टेंस होगा, इसमें से करंट आई मान लीजिए, आप मान लो इसमें से करंट आई आ रहा है, आपको बताना है इसका इंटरनल इंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो निकालें भाई, तो आपको याद होगा मैंने पहले एपिसोड में आपको करवाया था, ठीक है, कि इंडक्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करेंगे बताओ, क्या लगाएंगे अब यहाँ पे, इन्फाइनाइट वायर मान लो, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट पे कोई डिस्टेंस आर ले लो, ठीक है, कोई डिस्टेंस आर ले लो, आर डिस्टेंस पे बी की वैल्यू क्या होगी, पहले ये निकालना है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा देता हूँ, क्लोज इंटीग्रल एच डो डी एल इज इक्वल टू आई पेनिट्रेट, कितना करंट पेनिट्रेट करेगा बताओ जरा, आर रेडियस तक, मुझे एक बात बताओ जरा, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, इतने एरिया में से आई पेनिट्रेट कर रहे हैं, टोटल क्रॉस सेक्शन देखो ना यार, ऊपर वाले का ये वाला क्रॉस सेक्शन कितना है, इतने क्रॉस सेक्शन में आई करंट पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन में से कितना करेगा, आई डिवाइड बाई पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, इतना करंट आपका यूनिट एरिया में से, ठीक है, बट आपका आर रेडियस तक कितना एरिया बताओ, जो यहां तक का जो आर रेडियस लिया आपने, जो ये अंदर वाली आर रेडियस लिया, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ जहां पे लगाया, उसमें कितना है बताओ जरा, उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, आर स्क्वायर माइनस इनर रेडियस क्या है, आर वन है ना, ये समझे भाई, देखो यार इसका अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो देखो पॉइंट को समझिए भाई क्या है, देखो सुनिए, इसके आउटर रेडियस कितनी है आर टू, इनर रेडियस क्या है आर वन, और ये कह रहा है इस पूरे रीजन में से करंट निकल रहा है आई, तो मैंने बोला इसका एरिया निकालो पहले कितना है, इसका एरिया ये है, इतने में से आई निकल रहा है, तो आप बताओ मैंने अगर आर रेडियस तक कोई पॉइंट ले लूं मैं यहां तक, तो इतने में से कितना निकलेगा, इतने में से कितना करंट जाएगा, तो इसका एरिया बताओ पहले अंदर वाले का, इसका एरिया निकालो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, तो इतने एरिया में से कितना जाएगा, इतने में से आई जा रहा है तो इतने में से देख लो ये पाई से पाई कट गया, आई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, इतना करंट जो है तो वो इतने रीजन में से निकलेगा, सही है, अब आप बताइए इज इक्वल टू आई पेनिट्रेट, तो आई पेनिट्रेट की वैल्यू यही हो जाएगी ये वाली, ठीक है, अब आप बताइए एच, एच क्या होता है, नहीं एच तो भैया बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है, और डी एल टू पाई आर इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, सही बात है भाई, ठीक है, अब इसको नीचे ले आओ टू पाई आर को, ये आ गया एच, और म्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ गया, बी, बी आ गया दोस्त, अब मुझे बताओ यहां पे अगर मैं यूनिट लेंथ ले लूं और डी आर ये बाहर की तरफ ले लूं तो ये स्ट्रिप बन जाएगी मेरे ख्याल से, तो उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा बताओ जरा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी फाई निकलेगा वो, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा बताओ जरा, म्यू नॉट आई इन टू आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइड बाई बोलिए आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू टू पाई आर, ठीक है, इंटू क्या बन जाएगा बताओ जरा, इंटू डी आर, नहीं समझे, इसकी लेंथ है वन और बाहर की तरफ कितनी रेडियस है डी आर, तो इंटू डी आर, ये बन जाएगा डी फाई, स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल रेडियस डी आर में से कितना फ्लक्स निकलेगा वो पता चल गया मुझे, करेक्ट है भाई, अब मुझे एक बात बताइए ना, मुझे तो अंदर, अब मुझे लिंकेज चाहिए डी साई,
तो डी साई कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करो। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं बोलूं पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, इतने एरिया से एक टर्न बन रही है, तो आप बताओगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर से कितनी टर्न्स बनेगी, कितनी टर्न्स बनेगी, वन अपॉन में पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इन टू बोलिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, क्या कहते हो, इतनी टर्न्स बनेंगी। ठीक है, तो अफेक्टिव टर्न क्या आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो टर्न से, तो बन जाएगा म्यू नोट आई डिवाइड बाई टू पाई आर इन टू, बोलिए ना आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर की पावर टू आ जाएगा, क्या कहते हो, अफेक्टिव टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने। ठीक है, इतने एरिया से जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था पूरा ये वाला, इससे एक टर्न बन रही थी, तो अंदर वाले यहां तक के एरिया से कितनी टर्न्स बनेंगी, वो ये बनेंगी, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप बताओ मुझे तो टोटल फ्लक्स लिंकेज चाहिए, उसको इंटीग्रेट कर दो, आर को अंदर ही रखो भाई, इसको इंटीग्रेट कर दो, सही बात है। ठीक है, और आई को नीचे ले आओ, क्या आ जाएगा इसका बताओ जरा, एल इंटरनल, इंटरनल इंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं ये बाहर आ जाएगा मेरे पास म्यू नोट अपॉन टू पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया मेरे पास। ठीक है ना, अंदर देखिए क्या बना, आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई आर डी आर। ठीक है, और आर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, आर वन से लेके आर टू तक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, बोलिए भाई। ठीक है, ये आप सोल्व कर सकते हैं, तो इसके साथ ही मेरे पास एल इंटरनल आ गया है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट है। एल एक्सटर्नल वही बनेगा जो पहले बना था, क्योंकि बाहर से अगर आप देखोगे तो आई करंट आई अभी भी आई पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, एल एक्सटर्नल मेरा वही बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा देखिए मैं रब कर दूं, इसको रब कर रहा हूं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर रेडियस दे रखी होती ना आर वन आर टू, थोड़ा आसान पड़ जाता है। ठीक है, बिकॉज फिर वैल्यूज आ जाती है ना हमारे पास। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, कैलकुलेट 50 हर्ट्ज इंडक्टिव रिएक्टेंस, 50 हर्ट्ज एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एट 1 मीटर स्पेसिंग, 1 मीटर की स्पेसिंग दे रखी है भाई, एट 1 मीटर स्पेसिंग इन ओम्स पर किलोमीटर, ओम्स पर किलोमीटर में बताना है भैया। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ओम्स पर किलोमीटर में कैलकुलेट करनी है, ऑफ ए केबल कंसिस्टिंग ऑफ 12 इक्वल स्ट्रैंड अराउंड ए नॉन कंडक्टिंग कोर, ये कह रहा है कोई नॉन कंडक्टिंग कोर है, उसके सराउंडिंग में 12 इक्वल स्ट्रैंड लगे हुए अराउंड ए नॉन कंडक्टिंग कोर, नॉन कंडक्टिंग कोर के सराउंडिंग में 12 कंडक्टर लगे हुए। ठीक है, आपको बताना है कि द डायामीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड इज 0.25 डायामीटर है हर एक स्ट्रैंड का, एंड द आउटसाइड डायामीटर ऑफ केबल इज 1.25 सेंटीमीटर आपका आउटसाइड डायामीटर है, आउटसाइड डायामीटर ये हर एक स्ट्रैंड का ये डायामीटर है। ठीक है भाई, अच्छा नॉन कंडक्टिंग है, अंदर वाली सबसे अंदर वाली नॉन कंडक्टिंग है, जीएमडी तो पता चल गया क्या है बताओ, जीएमडी तो वन ही है, बस फर्क क्या है बताओ जरा, किसमें क्या सोचना है बताओ, जीएमआर पे सोचना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये नहीं पता कितनी लेयर आएंगी यहाँ पे, नहीं मुझे एक बात बताओ जरा, आपको आउटसाइड डायमीटर दे रखा है मतलब बाहर, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये डायमीटर दे रखा है कितना है बताओ जरा, 1.25। ठीक है ना, अब आप मुझे बताओ इन अंदर का कितना है बताओ जरा, अगर मैं डिवाइड कर दूं 1.25 को 0.25 से तो कितना आएगा, 5। इसका मतलब यहाँ पे कितने ऐसे ऐसे स्ट्रैंड बनेंगे, दो यहाँ पे और एक मिडल, क्या कहते हो, नहीं 5। इसका मतलब कितनी लेयर बनेंगी आप बता सकते हो,
एक तो ये वाली लेयर बन जाएगी और एक ये वाली लेयर बन जाएगी, तीन बनेंगी, एक ये, दो और एक तीन, तीन लेयर बन जाएगी। सही बात है ना? बोलिए भाई, कोई दिक्कत है तो देख सकते हो आप। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 3x² - 3x + 1, एंड यही था ना, एक बार देख लो। ठीक है, अब बताओ x की वैल्यू कितनी है, x का अगर मैं 1 लेयर करूं सर, x क्या था बताओ ना, n तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर थे, अगर x की वैल्यू मैं 1 करता हूं, सोचिए यहां पे, नहीं सॉरी 0, ये देखो ना एक बार क्या था, है जी x क्या था, नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ लेयर अगर मैं 1 करूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, ये 1 बनेगा, ठीक है ना, 1 कंडक्टर आएगा। अब n कंडक्टर दे रखे हैं आपको, कितना 12, तो आप बताओ लेयर कितनी आएंगी, 3x² - 3x - 11 = 0, x की वैल्यू बताओ भाई कितनी आएगी, x की वैल्यू बताइए क्या है, पूरा पूरा बन रहा है क्या, मुझे नहीं लगता पूरा बनेगा, 2.08 एग्जैक्टली, इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही ना, इंटीजर वैल्यू तो नहीं आ रही भाई, ठीक है तो फिर क्या करें, है जी इंटीजर नहीं आ रही, इंटीजर नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ सुनो, इसका मतलब ये है कि भाई जो स्ट्रैंड है वो इक्वल है, इक्वल डायमीटर की है, बट जो अंदर का जो है, अंदर का, क्योंकि एक ही लेयर में दिखाएंगे अब 12 के 12, जो स्ट्रैंड है वो बड़ा है, इसका मतलब, नहीं सॉरी स्ट्रैंड कह रहा हूं, जो सेंटर वाली जो जो है, क्योंकि इसने बोला है देखो इक्वल स्ट्रैंड अराउंड द नॉन कंडक्टिंग कोर, तो स्ट्रैंड इक्वल है तो इसका मतलब ये बाहर वाले, ये 12 हैं इसके, छोटे छोटे हैं ये 12, ठीक है, सही है भाई, ये 12 हैं, ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 लगे हुए हैं जी, क्या क्या चीज, अब जीएमआर निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, अब ये जंग है, ठीक है ना, जीएमआर निकालने तो आपके लिए, क्योंकि जीएमडी तो पता ही है क्या है, ठीक है, तो ये आपका, अब सुनिए भाई मुझे एक बात बताइए, तो इसका मतलब ये क्या बनेंगे बताओ, टोटल टोटल कितनी साइड बनेंगी बताओ, 12 साइड बनेंगी, अब ये मेरे लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट देखा जाए तो एक ही बार लिखना है, एक बार लिख लिया तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ बार बार आएगी, फिर हर कंडक्टर के लिए वही बनेगा, ठीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है ना, मतलब एक ही बार लिखना है, तो अगर मैं 12 साइड करूं, तो आप मुझे बताओ ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, जरा देखना है, मुश्किल नहीं है, है जी, 360 को 12 से डिवाइड करो, 30, 30 का एंगल बनेगा, अच्छा ये बताओ ये कितनी लेंथ आएगी, ये पूरी लेंथ बता दो ना, ये कितनी आएगी, डायमीटर बताओ कितना था, ये कंडक्टर स्टैंड का डायमीटर कितना था बताओ, 0.25, और ओवरऑल क्या था, 1.25, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर टू सेंटर 1 डिस्टेंस होगी मुझे लगता है, क्योंकि ये आर हट गई और ये आर हट गई, तो आप ये कह सकते हो कि 0.25 हट गया, तो बीच से बीच में तक क्या बनेगी, 1, और ये अगर निकालो तो 0.5, ये बनेगा 0.5, क्या कहते हो, ये 0.5, ये भी 0.5, नहीं समझे, ठीक है बोलो, ये 0.5 है, ये 0.5 है, ठीक है, और ये भी 0.5 है, ये भी 0.5, सारे 0.5, 0.5, 0.5, क्लियर हुआ भाई, ये सारे जो साइड बनेंगे 0.5, 0.5 बनेंगे, और इनमें 30-30 डिग्री का एंगल है, अब जरा देखिएगा, मैं नंबर कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब हो जाएगा कैसे, जरा देखिए रूट के अंदर क्या लिखेंगे बताओ जरा, इसका जीएमआर निकाल रहा हूँ मैं, जीएमआर ही तो है क्वेश्चन में, और क्या है, और कुछ निकालना ही नहीं है इसमें, क्वेश्चन ही जीएमआर का है, तो आप बताइए यहाँ पे खुद का बताइए क्या बनेगा, इसकी रेडियस कितनी है बताओ जरा, डायमीटर है 0.25, रेडियस क्या है बताओ जरा, 0.125, ये नहीं है, इंटू 10^-2 इंटू 0.7788, बोलिए भाई, ये तो इसका आर प्राइम हो गया, ठीक है, ये इसका खुद का आर प्राइम हो गया, एक बार देख लो भाई सही है क्या, ठीक है ना, अब आप बताइए ये डिस्टेंस क्या बनेगी, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, मतलब 0.25 इंटू 10^-2, क्या कहते हो, और इसका स्क्वायर कर दो, क्यों भाई, क्योंकि इधर वाली भी तो है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया, डिस्टेंस निशान लगाते चले जाओ, ठीक है ना, अच्छा भाई ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस,
अब ये कैसे निकालेंगे? सुनो, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है और 60 का एंगल है, तो ये भी 0.5 होगा. ठीक है, क्यों 0.5 होगा? बाकी दो एंगल आपके सेम सेम होंगे, ठीक है ना, तो 60-60 होंगे, ठीक है ना. तो 0.5, तो 0.5 इंटू 10^-2, ठीक है. और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर. क्यों स्क्वायर हो जाएगा? क्योंकि 11 के साथ भी यही आएगा. ठीक है, अब आइए 4 के साथ. बताइए 90 है, बोलिए भाई ये 90 है, ये बीच वाला एंगल 90 है, 0.5 ये 0.5 है, तो 0.5√2 आ गया. ठीक है, 0.5√2 इंटू 10^-2, और इसका स्क्वायर कर दो. क्यों स्क्वायर कर दिया? क्योंकि इधर भाई 4 है तो इधर कौन सा है, 10 भी है. ठीक है भाई, अब आइए इधर, जरा देखिएगा ये वाला. अब जरा ये देखते हैं, सुनिएगा, ये 0.5, ये 0.5, ठीक है, और बीच का एंगल कितना है बताओ जरा, 120. तो इसका मतलब ये कितने कितने एंगल बनेंगे छोटे वाले? मैं चाह रहा हूँ सुनते, थोड़ा जूम करो इसको, बिकॉज दिखाई नहीं देगा. हाँ जी, ये 0.5, ये 0.5 और ये 120 है, तो ये कितना बनेगा? 30 बनेगा. तो 0.5 cos 30 का रूट 2 टाइम्स कर दो. 0.5 cos 30 करोगे तो इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा ना इधर, बोलो. 0.5 cos 30, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.5 cos 30 कितना होता है? √3/2, और इसको 2 टाइम्स करोगे तो 0.5√3 इंटू 10^-2 का स्क्वायर. क्यों स्क्वायर? बिकॉज इधर अगर 5 ले रहे हो तो इधर 9 भी आएगा. सही है भाई. अब आइए 6, बस एक और रह गया बस ये. अब आप बताओ 150 एंगल हो गया ये, यहां से यहां के बीच 150 एंगल हो गया, और ये लेंथ, ये लेंथ बतानी है अपने को अब 6 के साथ, ये लेंथ बतानी है, और बीच का एंगल है 150. तो आप बोलो क्या करोगे? 0.5, 150 है तो ये एंगल कितना बनेगा बताओ ना, ये 15 डिग्री का बनेगा. तो 0.5 cos 15, और इसको 2 टाइम्स करना है. ठीक है, तो cos 15 कितना होता है बताओ जरा? 0.5 cos 15, बस हो गया. अब तो 0.966, क्या ये cos 15 की वैल्यू है क्या सारा? 0.966, और 10^-2, 10^-2, और इसका स्क्वायर कर दो भाई. ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो. क्यों? क्योंकि इधर 6 है तो इधर 8 है. अब आइए 7 तो कितना हो गया सीधा सीधा 1 × 10^-2, और स्क्वायर नहीं करना इसका. ठीक है, ये एक ही आएगा. ठीक है भाई, तो आप बोलिए कितनी टर्म्स होगी टोटल? 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 1 ये 12. तो 12th root इसका लेना है. बताओ ना क्या बना? 12th root लेना है. ठीक है भाई, निकालिए जरा. 10^-2 की देखो ना पावर, 1, 2, 3, 3 × 2, 5, 5 × 2, 7, 7 × 2, 9 × 2, 11 और 1 12. 10^-2 हटा दीजिए भाई. 10^-2 12 टाइम्स आ रखी है, 12 टाइम्स आ रखी है, तो 10^-2 इकट्ठी बाहर आ जाएगी. 10^-2 तो बाहर आ जाएगी. ठीक है भाई, 10^-2 बाहर आ गया. अब बचा सिर्फ ये. ठीक है, इसका 12th root ले लीजिए. बताइए भी क्या बना, निकालिए क्या वैल्यू आई इसकी. हाँ जी, कितना आ रहा है? 0.533 × 10^-2. या एक बार चेक कर लो भाई, कोई और वेरीफाई करो. 0.533 आपका भी आ रहा है. और कोई भाई, कोई और वेरीफाई करो. 0.35 इतना ही है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, हाँ जी, ये आ गया मेरा क्या बताओ जरा? GMR. और GMD कितना है बताओ जरा? GMD इज 1. तो आप बताओ क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है 50 Hz इंडक्टिव रिएक्टेंस, X की वैल्यू पूछी है. तो क्या निकालोगे X की वैल्यू बताओ जरा? 100 pi तो ओमेगा हो गया, इंटू 2 × 10^-7 ln, बोलिए GMD/GMR 1/0.533, और 100 लिख लो 1 को, क्योंकि 10^-2 है ना नीचे. तो आप बताइए कितना आएगा ये? अच्छा, और 10^-4 करो भाई. क्यों? पर किलोमीटर पूछा है ना आपसे,
तो बताइए भाई क्या वैल्यू आई इसकी? 0.3288. एक बार चेक कर लेता हूं मैं. हाँ जी, कितना आया? 0.3288. नहीं भाई, 0.3288 तो नहीं है, इसका डबल है. ओम पर किलोमीटर. अच्छा, टोटल निकालना होगा ना. ये क्या है बताओ? ये तो एलए है. ठीक है, सुनिए ना, क्या पूछा आपसे? ऑफ ए केबल कंसिस्टिंग ऑफ, दूसरा भी है भाई, ठीक है ना, पूरा टोटल निकालना है. नॉन कंडक्टिंग कोर द डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड. ठीक है, 1 मीटर स्पेसिंग की पूरी केबल है भैया. ठीक है, तो इसका मतलब इसको डबल कर दीजिए. ओवरऑल टोटल निकाल रहे कितना बनेगा बताओ जरा. मेरे पास जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ कितना है मेरे पास. मेरे पास आंसर है 0.658 ओम पर किलोमीटर. क्या आंसर है आपका? 0.6578 वो बन गया. ठीक है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था. बेसिकली ये जीएमआर का क्वेश्चन था. मैं आपको सिर्फ इसमें जीएमआर पूछता. ठीक है, अच्छा मैंने वो लेयर क्यों नहीं ली बताओ? क्योंकि लेयर से वो इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही एक्स की, समझ रहे हो, इसलिए मैंने टोटल लेयर काउंट नहीं किया, अदरवाइज मैं इसको लेयर से करता. ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स पे. ठीक है भाई, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर हम देखेंगे. ठीक है, आज के एपिसोड में इतना है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं. थैंक यू.